ऐसे आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आप देख के गाइस आप अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड ऐप का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, बट यहाँ पासवर्ड सेट करने के लिए बोलते हैं ये लोग। बट यहाँ पे गाइस हम अपना पहले से ही पासवर्ड सेट कर चुके हैं, तो चलिए हम अपना पासवर्ड डाल के इसमें एंटर करते हैं। ओके, फिर गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ गाइस आप इनको एक्सेस कैसे करेंगे पहले आप ये समझ लें। आपको सिंपल तरीके से अपना डायल पैड जो है वहाँ पर आपको एक कोड डालना पड़ेगा, एक्सेस कोड, जो कि सेट करने के लिए बोलता है। मैं आपको बताऊँगा क्या कोड है वो गाइस और कैसे डालते हैं। तो पहले गाइस जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे गाइस यहाँ पे हमारा कोई भी एप्लीकेशन हिडन नहीं है, तो यहाँ पे हम इस पर जाते हैं और यहाँ पे गाइस आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड करते हैं। जैसे गाइस मैं क्रिकबज हाइड करूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही गाइस ये बोलेगा सेट एक्सेस कोड, तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको एक्सेस कोड डालना है जो कि हैश से स्टार्ट होगा और हैश पर ही ख़त्म होगा इस टाइप से। ओके, इसको हम डन कर लेते हैं। तो यू आर ऑल सेटअप। ओके, डन कर देंगे इसको हम। तो गाइस यहाँ से हमारा एक क्रिकबज ऐड हो गया है। अब हम कोई और एप्लीकेशन इसके अंदर हाइड करना चाहें तो वो भी हाइड हो जाएगा, तो इजीली हो जाता है गाइस कोई भी एप्लीकेशन आपको हाइड करना हो। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ एक ऑप्शन ओएलएक्स को हम हाइड कर लेते हैं। ओके, चलिए गाइस यहाँ पे हम हिडन में जाकर चेक करेंगे। दो एप्लीकेशन सेलेक्ट है हमारी, क्रिकबज और ओएलएक्स। इनको आप यहाँ पर कहीं भी देखेंगे आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना ही आपको यहाँ पर सर्च में मिले। अगर मैं सर्च भी करता हूँ तो सर्च में भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करना है इनको देखने के लिए, आपको यहाँ पे अपने डायल पैड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा हैज़ 5834 हैज़, ठीक है। और आपके सामने आपके हिडन ऐप्स शो हो जाएंगे। तो गाइज़ आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज़ कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।